हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है फॉर मी, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद हम लोग कोलकाता जा रहे हैं। मतलब बहुत दिन नहीं, लास्ट टाइम हम लोग दिसंबर में गए थे, पर ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद जा रहे हैं। और ये वीडियो स्पेशल इसलिए है और मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि फिर से हम लोग सात लोग एक साथ हो रहे हैं। मैं, मोगी, दी भाई, मौसा, मौसी, माँ, बाबा, सात लोग हम लोग एक साथ हो रहे हैं। मतलब एक साथ हम लोग थे 2 महीने पहले होली के टाइम, मार्च में एक साथ थे, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत दिनों बाद जा रहे हैं। और आप लोग सोच सकते हो कि 2 महीने हुआ है और ये ऐसी कर रही है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि 1 ईयर हो गया हम लोगों को मिले हुए, पर नहीं, ऐसा मुझे और भी खुश इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि एक साल के पहले तो हम लोगों का फिर से एक साथ होना नसीब में नहीं है, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि फिर से हम लोगों का मिलने का बहाना मिल ही गया है हम लोगों को। आज है जामा षष्ठी एंड इसके लिए हम लोग जा रहे हैं, बट अभी तो शाम होने जा रही है, ठीक है, 5 बजे की हम लोग की ट्रेन है, अभी 4:30 बज रहे हैं, थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। कोई नहीं यार, मज़े करेंगे, यही मेन बात है, आज हो या कल क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जा रहे हैं और कोलकाता में हमारा एक काम भी है, तो ऐसा करके हम लोग जा रहे हैं। मैं माँ बाबा हम लोग तीनों जा रहे हैं क्योंकि दी भाई ऑलरेडी कोलकाता में है बहुत दिनों से, वो लोग मज़े कर रहे थे, अभी मैं भी आ रही हूँ यार। तो अभी हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में इतना भीड़ था ना कि मैं कुछ खास फुटेज नहीं ले पाई और गर्मी में तो हालत ख़राब ही हो गया था। यहाँ पर शियालदह स्टेशन में हम लोग उतरे और यहाँ से हम लोग बौज लोकल पकड़ के टालीगंज में उतरेंगे, तो वहाँ से ना नज़दीक होता है इसीलिए। और शियालदह में उतरते इतना भूख लगा था ना कि एक दुकान में हम लोग पैटीज कुछ खाए। और अभी स्टेशन में उतरते ही ये देखो गुरुदेव खड़ा था हमें पिक करने के लिए, और मौसा के बाइक में मैं और माँ गए थे क्योंकि बाइक में तीनों नहीं हुआ था, बाबा चल के आ रहे थे, वो कुछ मिठाई विठाई कोल्ड ड्रिंक्स वोल्ड ड्रिंक्स खरीद के। और इस टाइम मुझे एक्साइटमेंट में ओ माय गॉड ऐसा हो रहा था, ये हुआ कि मौसा जी ने बवंडर हो गया कि पापा ने उसको घर पे छोड़ दिया। हाँ, दुकान पे आने का बात चल रहा था। हाँ, तो घर के सामने छोड़ दिया, तो वो अभी आ रही है। वेटिंग वेटिंग आ गई। हाँ, ऐसा प्लान में नहीं था। अच्छा, ये मर गई है, ये टायर्ड है, टायर्ड हो गया बहुत ज्यादा। और ये देखो ऐसा लग रहा है कि मैंने बिंदी पहना हुआ है, काला लगा वही बात है। मैं अभी खड़ी हूँ फुटपाथ में, थैंक यू, ये तो बोला ही नहीं, फुटपाथ में खड़ी हूँ अभी दीदी की दुकान। आई नहीं आई, हाय, मैं पहली बार आई दुकान में, तो मुझे मोमो कब मिलेगा? मोमो चाहिए मुझे अभी, ठीक है। मैं जब भी दुकान में पैर को ऐसे रखी तभी एक कस्टमर आया, इसलिए मैं लकी हूँ इस दुकान में। ये सही बात है, मैं पैर ऐसे रखी पैरों में बंद, कभी 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 गलती से हो जाता है ना। अच्छा ठीक है, तुम बोलो कि तुम बोलने में शर्मा रही हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आई नो। चलो, ये एक एक्सप्रेशन मैंने फुटेज लिया, ठीक है, डकार वो दे रहा। दर्द कर रहा है ना मेरा, क्या बताऊँ, सुबह से 3-3 ट्यूशन पढ़ने फिर आई, इतना जर्नी करके, ठीक है, लोग तो डेली जर्नी भी करता है, ठीक है, क्या है। सर एकदम दर्द हो गया है मेरा, और फूड पास का मोमो खाऊंगी जल्दी, इतना लेट सर्विस मिलेगा तो कस्टमर भाग जाएगा, वो का कस्टमर है। इससे तो ज्यादा इसका मुंह एग्जॉस्टेड लग रहा है। थैंक यू, मैं तो ऑल टाइम, पर तेरा भिखारी लग रहा है सच्ची में। आई नो दैट कि मैं भिखारी हूँ, और ज्यादा भिखारी लग रही है। तो भिखारी घर जाके मुझे, हम दोनों ने बहुत ही फनी फनी फुटेज लिया था, मतलब ब्लॉग के लिए नहीं, ऐसे ही लिया था, ठीक है। ओह माय गॉड, वाह, धोने का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ, नो फुटपाथ में गंदे हाथों से खाना पड़ता है, वही इधर का स्पेशल है। फुटपाथ का क्या रिव्यू दे रहे हैं हम लोग, वाह। ये प्लेट मेरा है, तू क्यों खा रही है? एक हफ्ते बैठ कर तो खा ही रही थी तू मोमो। मैं कंपनी दे रही हूँ ना। हाँ, एक रात को तो हमने मोमो लिया। एक हफ्ते से ये दोनों मजे कर रहे थे मुझे छोड़ के, मैं आ गया।
आप लोग फ्राइड वाला यहाँ पर, फ्राइड वाला ज्यादा अच्छा है। मैंने भी रिव्यू किया था, नहीं देखा तो जाकर देख लो मेरे चैनल में, स्नैकिंग स्टेशन में। दोनों घर से अभी आ रही है, आ रहा है। ये फुटपाथ मोदी का है, तो यहाँ पर हम लोग मोमो खा रहे थे अभी। बहुत टेस्टी लगा मोमो, वैसे खाते खाते मैं रिव्यू देना भूल गई, तो वैसे बहुत ही टेस्टी है, आप लोग जरूर आना यहाँ पर। देखो देखो इन दोनों को देखो, अभी अभी देखा कि मैं वीडियो क्लिक कर रही हूँ इसलिए पोज दे रहे अभी। बहुत ही फनी है दोनों, सच्ची में सो फनी। वैसे आप लोगों को एड्रेस मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वैसे ही तो मैं भिखारी लग रही हूँ, और भी भिखारी लगा एकदम सामने ला के कैमरा। तेरा आउटफिट ले लिया मैंने, ठीक से करियो एक मिनट। ठीक है बाबा। ओहो सारे लोग फुटेज खा रहे हैं, देखो बाबा ले ऐसा करना प्लीज करना थोड़ा। वही तो है, अपने साइज से दो साइज एक्स्ट्रा प्लीज। अरे नहीं हो रहा, ओवर साइज पैंट, ओवर साइज टी शर्ट ईसर की तरह नहीं करने बोल रही हूँ। जाके उधर खड़ा हो और क्या बोलते हो उसे, काकतर हो, स्केयरक्रू की तरफ है। जा ना थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा ज्यादा व्यूज आएगा, बेइज्जती हो गया, ठीक है। देखो थोड़ा स्टाइल दिखा रहा है, वो ड्रेस ही नहीं है, इसका ड्रेस पहनना पड़ेगा, इसका पैंट खुद का ही पहनना पड़ेगा। सोच अगर मेरा पैंट पहन के ये घूम रही है, कैसा लगेगा दिखने में। ये पकौड़ा हो ही नहीं रहा है कब से, पकौड़ा होगा तो फिर हम लोग सब साफ बात करके। मुझे पानी नहीं है, कैसे। तो अभी दुकान बंद कर लिया है, अभी जाएंगे घर की ओर। मैं बहुत मुझे चलो जल्दी से, मेरा फेस मत ही देखो तो ही अच्छा। मैं एकदम पूरी मर चुकी हूँ, मैं नहीं हूँ, ठीक है। 10 बज गई है, अब क्या करूँ, गप्पे लड़ाते यू नो। तो अभी घर की ओर जा रहे हैं, जाके फ्रेश, मैं कब जाके नहाऊंगी सच्ची में। और एक कल सुबह मैं 10 बजे उठूंगी, मैंने बोल दिया। हाँ नींद ठीक ठाक से नहीं हुई मेरी, तो ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इस वीडियो को लाइक दे देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए बाय।